सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कर्म योग के बाद ये भक्ति योग का प्रसंग चल रहा है। राज विद्या, गुह्य विद्या जिसको कहते हैं, तो भगवान ने कहा था कि मैं ज्ञान विज्ञान सहित ये सब तुझे सिखाऊंगा, अर्जुन से ऐसे कहा था। तो वो गुह्यतम विद्या जिसको कहा, अत्यंत रहस्यमयी विद्या, जिसको मात्र सुनने से नहीं जाना जा सकता, जिसको अनुभूति से ही आत्मसात किया जा सकता है, ऐसी विद्या का वर्णन चल रहा है। तो कल हम पढ़ रहे थे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। और दूसरा था यत करोसी यदश्नासी यज्जुहोसी ददासी यत यत तपस्यसी कौन्तेय तत् कुरुस्व मदार्पणम्। जो कुछ भी तू करता है, शुभ करता है अशुभ करता है, अच्छा करता है बुरा करता है, जो भी करता है वो सब, और जो कुछ भी तू ग्रहण करता है या जो कुछ भी तू दान आदि हवन आदि करता है या जो भी कुछ किसी को देता है, जो तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर दे। क्योंकि व्यक्ति जो कुछ भी करेगा उसका फल तो आएगा ना कुछ ना कुछ, और हम हर पल कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। एक क्षण भी हम बिना कर्म के तो रहते नहीं हैं, या तो मन से करते हैं, या तो शरीर से करते हैं, या तो वाणी से करते हैं, तो कुछ तो करते ही रहते हैं हम, तो कभी अच्छा या कभी बुरा, तो फल तो आएगा। तो पहले बताया था कर्म योग में बताया था कि कर्म कैसे कर, फल की इच्छा को छोड़ के कर, फल को मत चाह, फल को छोड़। लेकिन फल की इच्छा तो छोड़ी जा सकती है, लेकिन फल तो आएगा फिर भी, फल को रोका नहीं जा सकता है। आपने जो जमीन में बीज बोया है तो उसका अंकुर तो फूटेगा, उसमें फल तो आएगा। आप उसके प्रति आसक्ति रखें या ना रखें, ये तो हो सकता है आप अनासक्त रहें बो करके, उसमें आसक्ति ना रखें, लेकिन फल तो आएगा। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि तू कुछ ना कुछ तो करता ही है। तो फिर कहते हैं कि अगर किसी को देना है तो फिर सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। कुपात्र को देने से देने वाले का भी पाप बढ़ जाता है। इसलिए जो सड़क पे वो गाड़ी के पास मांगने वाले बच्चे घूमते रहते हैं ना, तो कुछ लोग उनको दे देते हैं, कुछ लोग कहते हैं इनको नहीं देना चाहिए, इनको देंगे तो और देश में भूखमरी गरीबी और ये और बढ़ेगा, फिर हम नहीं देंगे तो ये कुछ काम करेंगे। फिर किसी को देते हैं तो कोई कहता है आपने तो अपात्र व्यक्ति को दे दिया, ये तो अच्छा भला नौजवान था, ये साधु बन के ब्रह्मचारी बन के मांगने आ गया और आपने इनको दे दिया, तो ये तो नहीं देना चाहिए था, आपने गलत किया, इनको कमा के खाना चाहिए, जब इतना अच्छा शरीर है तो क्यों मांगते हैं। तो कभी हमें पात्र की सुपात्र की पहचान नहीं होती है। कभी कोई कहते हैं आपका दिया हुआ अब आप भी इसमें भागी बनेंगे, जिनको आपने दे दिया ये रात को जाकर के सुल्फा पिएंगे शराब पिएंगे, तो इसमें आप भी उसके भागी बनेंगे। तो ये कह रहे हैं तो सारे झंझट को ही छोड़, कौन पात्र है कौन कुपात्र है कौन सुपात्र है कौन अपात्र है, ये इतना ज्यादा झंझट छोड़,
जो करता है तत् कुरुस्व मदर्पणम, जो करता है उसे मुझे दे दे, क्योंकि भगवान से बढ़के कोई सुपात्र नहीं है। और तू अच्छा करता है या बुरा करता है, जो भी करता है, अच्छा करेगा उसका तो अच्छा कर्म है ही, वो तो दे ही दे सकता है। बुरा देने में दिक्कत होती है कि अशुभ कर दिया, जो हमारे से भूल हो गई, वो भगवान को अर्पण कैसे करें। तो ये कह रहे हैं उसको भी छोड़, उसको भी दे दे तू, क्योंकि जब अग्नि जलती है तो कुछ संविधाएं सूखी होती हैं, तुरंत जल जाती हैं। सूखी मतलब निर्दोष, और गीली मतलब जिनमें थोड़ा सा जल बचा है, थोड़ा सा दोष है, तो सूखी वाली के साथ वो भी जल जाती हैं। उसका अग्नि का सानिध्य पाके वो भी अग्नि रूप ही हो जाती हैं। आप वो खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, तो वो मक्का कितना कठोर होता है, और उसी को जब अग्नि में डाला तो अग्नि के संयोग से वो जो फूल गया तो वो कितना सॉफ्ट हो गया। है वही वही मक्का है वो, लेकिन उसका संयोग अग्नि से होने से उसका स्वभाव ही चेंज हो गया। जो इतना हार्ड था इतना सॉफ्ट हो गया, जो इतना हार्ड गेहूं था उसको चक्की में पीस दिया तो आटा कितना मुलायम हो गया, कितना नाइस हो गया। है वो ही, पर किसी के संयोग से उसके गुण ही चेंज हो गए, बदल गया। कोयला कैसा है, एकदम काला है, लेकिन वो ही कोयला जब अग्नि में गिर जाता है और अग्नि उसके अंतरतम तक घुस जाती है, तो वो ही कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है, वर्चस्वी हो जाता है, उसका सब रूप ही चेंज हो गया, गुण कर्म स्वभाव ही उसके बदल गई, तो अत्यंत रूपांतरण हो गया उसका। तो इसलिए कहीं तेरे कर्म अशुद्ध भी है ना, वो भी तू अर्पित कर दे, वो ईश्वर का सानिध्य पा करके वो भी शुद्ध हो जाएंगे। वो भी शुद्ध हो जाएंगे मतलब तू एक दिन अशुद्ध अर्पित करेगा तो तेरे को अंदर से लगेगा कि नहीं ये तो अर्पित करने योग्य नहीं है, तो तू अगले दिन अपने आप ही उसको ठीक कर लेगा, उनको बचा के मत रख लेकिन तू, क्योंकि तेरे को नींद नहीं आएगी कि देखो आज मैंने ये ईश्वर को अर्पित कर दिया, इसकी बजाय मैं इससे अच्छा भी तो कर सकता था, तो खुद ही खुद बदल जाएगा तू। इसलिए तू सारे झंझट छोड़ के, ये बात कई बार बताएंगे, लास्ट में भी यही बताएंगे, गीता के अंत में भी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। और यही बात यहां भी कह रहे हैं, जो कुछ भी तू करता है, तू खाता है, पीता है, सोचता है, हवन करता है, किसी से कुछ लेता है, किसी को कुछ देता है, तू पढ़ाई करता है, पढ़ाता है, किसी से बिजनेस व्यापार करता है, दुकान पे जाता है, नौकरी करता है, जो भी करता है वो सब या तो उसी समय अर्पित करता चला जा, उस समय ध्यान ना रहे तो शाम को अर्पित कर दे सारा, पूरे दिन की कमाई ला करके दे देते हैं ना व्यक्ति, घर में रिक्शा आदि चलाते हैं तो उनको तो आज की कमाई आज ही शाम को मिल जाती है, तो शाम को जाकर के अपनी पत्नी को या बच्चों को या माँ को, जिसको भी वो पात्र समझते हैं घर में, वो कहते हैं ये है आज की कमाई, अर्पित कर देते हैं सारी। तो ऐसे ही साधक को आज दिन भर जो कुछ भी काम किया, जो आपके आत्मनिरीक्षण की कक्षा होती है रात को, तो उसमें अर्पित कर दो, तो आपको सुबह से शाम तक के सब याद आएंगे कि क्या क्या आज अच्छा बहुत हुआ, क्या कहाँ कहाँ त्रुटि हो गई, तो बोले आज तो ये दे देता हूँ, कल इसको ठीक कर लूंगा, आज तो कर दिया तो सब कुछ मुझे आपके अर्पित करना है। तो जो ईश्वर के अर्पित कर दिया जाता है वो पूरा अग्नि के संयोग की तरह से फिर उसका स्वभाव बदल जाता है, और जितना बचा के रख लेता है व्यक्ति, वो फिर उसकी प्रकृति के अनुसार दोषपूर्ण ही रहता है। तो कोई राजा एक बार निकले, उनके वहां अकाल पड़ गया था, तो किसी ने कहा कि आप ऐसे करो कि सुबह सुबह कल आप भिक्षा लेने के लिए निकलो,
और सूर्योदय होते ही, जैसे सूर्योदय हो वैसे ही आपका रथ निकलना चाहिए, और उस समय जो भी पहला व्यक्ति आपको मिल जाए उसी से भिक्षा मांगो आप, तो इससे आपका अकाल टल जाएगा। तो वो व्यक्ति निकला, तो जैसे ही वो घर से निकला तो सामने से एक भिखारी आता हुआ दिखाई दिया, जो अपनी झोली लेके भीख मांगने के लिए निकला था। तो ये जो भिखारी या पुजारी होते हैं ना, वो थोड़ा सा अपनी झोली में डाल के चलते हैं पहले से। मतलब जो पुजारी होते हैं ना, तो आरती में 100 का नोट 50 का नोट वो अपने पास से रखते हैं, ताकि उसको देख के दूसरे लोग भी 100 या 50 के ही रखें, नहीं तो कोई 5-10 रुपए रखेगा, तो वो खुद भी रखते हैं, अपने आप भी ऐसा करते हैं। तो थोड़े से दाने अपने, इतने से दाने अपने झोली में डाल के निकला था कि इसको देख के दूसरे भी देंगे कि भाई किसी और ने भी दिया है तो मैं भी दे दूं। तो उसने देखा आगे से राजा का रथ आ रहा है, तो बड़ा खुश हुआ कि आज तो गहरे हो गए, राजा जैसे पास से निकलेगा तो बहुत कुछ मांग लूंगा इससे, तो आज तो बड़ा अच्छा दिन निकला है मेरा। और वो जैसे पास पास आया और राजा भी पास थोड़ा आया, तो राजा अपने रथ से उतरा, तो वो और खुश हुआ कि मुझे रोकना भी नहीं पड़ा और ये तो खुद ही मेरे पास आ रहे हैं। और राजा जैसे ही पास आया तो राजा ने अपनी झोली फैला दी भिखारी के सामने कि भिक्षाम दे ही। अरे ये तो हद हो गई, मतलब भिखारी से मांग रहा है, मैं खुद इससे मांगने वाला था, उससे पहले यही मुझसे मांग रहा है, बड़ा संकोच हुआ। तो उसने बड़ा बेमन से उसमें हाथ डाला अपनी झोली में और एक दाना निकाला, बोले अभी तो घर से निकला हूं इतना ही है लो, एक दाना उसको दे दिया। राजा भी चला गया, उसको केवल किसी ने ये बताया था कि जो भी मिल जाए, उसके पास कोई कमी तो थी नहीं, राजा था वो, तो उसी को लेकर के आ गया। वो 2 दाने डाले, हाँ एक नहीं 2 दाने डाल दिए उसने, वो 2 दाने ही लेके आ गया वापस। अब ये पूरे दिन भर झुंझलाता हुआ, इरिटेट होता हुआ भिक्षा मांगी कि कैसा निकम्मा मिला, सुबह सुबह बोनी खराब कर दी। तो जितना भी उसको मिला, खैर तो दिन भर मांगा, और फिर शाम को अपने घर में जाके पत्नी को झोली दे दी, उसने उसको उल्टा किया अनाज को कि आज क्या क्या आया है, तो देखा कि 2 दाने बहुत चमक रहे थे, कुछ अलग ही दिख रही थी। तो उसने देखा ये क्या आ गया आज भिक्षा में, तो देखा तो 2 दाने गेहूं के हैं, वो सोने के बन गए। तो उसने पूछा कि ये तो बड़ा चमत्कार हो गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था भिक्षा में कोई सोना दे दे, ये कहाँ से आया। उसने कहा है, तो फिर उसने आके देखा, तो जब उसने आके देखा कि 2 दाने सोने के हैं, तो फिर उसने अपना सिर पीट लिया कि क्यों ना मैंने पूरे ही दाने राजा को दे दिए, अगर मैं पूरी झोली उसको दे देता तो सारा का सारा ही क्या हो जाता, सोना हो जाता। तो कितनी बड़ी भूल हो गई मेरे से, वो तो साक्षात ईश्वर ही आए थे। तो यहां भगवान हमें बता रहे हैं कि तू बचा के मत रख कुछ भी, सब अर्पित कर दे मेरे को, तू जितना अर्पित करेगा उतना उतना मैं तेरे को उसको रिप्रोसेस करके और ज्यादा दे दूंगा। तो जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को, जो व्यक्ति हमारे से ठीक बिहेव भी नहीं कर रहा है, उसको भी जब हम सम्मान देते हैं, तो ईश्वर की व्यवस्था से फिर भले वो व्यक्ति ना दे, दूसरे व्यक्ति हमें ज्यादा सम्मान देते हैं, हमारा सम्मान बढ़ जाता है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की केयर करते हैं तो हमारी केयर करने वाले बहुत मिल जाते हैं। जब हम किसी दूसरे का भला करते हैं, भला सोचते हैं, तो हमारे शुभ चिंतक बहुत बन जाते हैं। जब हम किसी दूसरे की मुसीबत में सहायता करते हैं तो हमारी किसी भी मुसीबत में कोई भी हमारी सहायता कर जाएगा। तो जितना हम देते हैं, हमारे पास है ही इतना, हम कितना किसकी सहायता कर सकते हैं, जितना हमारे पास है, कितनी प्रीति दे सकते हैं किसी को, जितनी हमारे पास है, तो वो बढ़ जाएगी फिर कई गुना। तो इसलिए यहाँ पर भगवान हमें एक बहुत अच्छी टेक्निक बता रहे हैं कि तेरे को कुछ भी नहीं आता है ना, तो तू जो भी कर रहा है, काला सफेद, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, वो सब मुझे अर्पित कर दे। पहले उसमें क्या सिखाया था कर्म योग में, फल को छोड़ दे, कर्म किए जा बस। यहाँ भक्ति योग में, राजयोग में क्या सिखा रहे हैं कि उसको छोड़ मत, उसको मेरे अर्पित कर दे, फल
फल को फेंकना नहीं है, फल को ईश्वर के चरणों में अर्पित करना है, बोना है उसको। आपके पास कोई फल है और ऐसे रास्ते में बिखेर दिया, फेंक दिया आपने, तो पता नहीं उसका यूज होगा कि नहीं होगा, कोई उठा के खाएगा कि वो गाड़ी के नीचे पिसा जाएगा, क्या होगा उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन यदि आपने किसी अच्छी सी भूमि में बो दिया तो एक के फल के बदले में अनंत फल होंगे, फिर बीज हो गए ना वो, तो उसके अनंत गुणा हो जाएंगे फिर। तो ये भक्ति मार्ग सिखा रहे हैं हमें कि फल तो आएगा ही, तू आसक्ति नहीं रखेगा तो भी आएगा, लेकिन उसको तू अपने पास भी मत रख, इधर उधर फेंक भी मत, उससे दूर भी मत भाग, उस सब को ईश्वर के अर्पित कर दे, तत्पुरुष मदर्पणम। तो ये हम कल पढ़ रहे थे, तो आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओम दीदी जी, जी दीदी जी जो प्रसंग चल रहा था सुख दुख की जो प्रतिज्ञा था, जैसे सुख दुख का प्रसंग चल रहा था, प्रभु को सुख का अनुभव होता है बोल के, जैसे यहाँ 28 श्लोक में जो बताए हैं, जो भी मेरे भक्त मुझे जैसे भी अर्पण करते हैं मैं प्रसन्न पूर्वक उनको ग्रहण करता हूँ। और इसमें ये भी लिखा था कि दीदी जी जैसे मैं भाव का भूखा हूँ, यानी कि क्या चढ़ाते हैं इसमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ भाव में उन्होंने चढ़ाया बोल के। तो दूसरा क्या था कि दीजिए जो हम लोग धर्म जाति संप्रदाय के लिए जो लड़ते हैं, तो इससे तो क्लियर पता चलता है कि भगवान को जैसे भी पुकारे तो उसको बाधा डालना तो हम लोग के लिए जो जिस जो साधक जैसे भी पुकारते हैं तो उसका विधि को बाधा डालना तो एक पाप जैसा होगा। जैसे कि माँ माँ बच्चा रो रहा है और दूसरी माँ जाके दूध पिला रही है तो बच्चे तो पिएगा नहीं। तो दीदी जी इसको कैसे समझ सकते हैं कि जो हम लोग जो लड़ते हैं धर्म जाति के लिए जो लड़ते हैं, तो जो जो जाति के लिए कन्वर्ट भी करते हैं ना, जो जैसे क्रिश्चियनिटी बढ़ाने के लिए जो कन्वर्ट करते हैं, तो ये तो साफ पता चल रहा है कि ये तो पाप जैसा है दूसरे का धर्म या किसी का साधक तो को। मेरे बताने की क्या जरूरत है, आप तो खुद ही समझ रखे हैं। नहीं तो कैसे समझ सकते हैं वो। आप ही तो कह रहे हो कि ये तो पाप है तो नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तर क्या दूं मैं, आप तो खुद ही उसका उत्तर दे रहे हैं। तो दीदी जी जैसे मेरा प्रश्न ये था तो कि जो कर रहे हैं उनसे आप जाके जरूर पूछ सकते हैं कि भैया आप ऐसे पाप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप खुद जानते हो इस बात को कि यहाँ पर ईश्वर को अर्पित करने में कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई लिंग भेद ऐसा तो कुछ है ही नहीं, और जो भी भाव से दिया जाता है उसको, उसका भी कोई मूल्य नहीं है कि आपने सोने का छत्र चढ़ाया या छोटा सा घास का फूल चढ़ाया, उसका ईश्वर की दृष्टि में कोई ज्यादा कम नहीं है। आपने किस भावना से चढ़ाया वो महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति बहुत सोने चांदी की गिफ्ट ला करके भगवान को अर्पित करता है, बहुत धनवान व्यक्ति है, लेकिन वो मंदिर में जाते जाते ही जो दूसरे सामान्य लोग बेचारे लाइन में लगे थे, तो कहता है जगह बनाओ, ये मैं VVIP आ गया हूँ, और कोई बीच में आ भी जाए तो उसको हटा देता है, और फिर वहां चढ़ा करके वो उसको दिखाता है सबको कि मैंने इतना चढ़ाया है, दूसरे लोगों की उपेक्षा करता है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो बेचारा डरता डरता सा जाता है, उसकी कोई बहुत ऊंची जाति भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी गिफ्ट भी नहीं है, छोटा सा लाया है कोई फल फूल अपने घर से, लेकिन सर्वस्व दे दिया क्योंकि उसके पास था ही उतना ही, और भक्ति के भाव से भरा हुआ है, कृतज्ञता के भाव से भरा हुआ है, और सब उसमें उसको वो ब्रह्म ही दिखाई देता है, तो उस ईश्वर की दृष्टि में पहले वाले की अपेक्षा दूसरे वाले का दान ज्यादा है। उस दिन वो माता जी आई थी तो बता रही थी ना, सुभद्रा माता जी आई थी, तो कि मैं ऐसे मानती थी कि सर्दियों में जब कोई भी लोग नहीं आते थे तो जो उन्होंने कृष्ण की मूर्ति बना रखी थी जिसकी वो पूजा करती हैं, कि सर्दी में तो मैं इस अकेले को खिलाती हूँ और गर्मी में इसके साथ साथ इस रूप में भी यही है, ये सब भी आ जाते हैं, तो मैं इनको भी खिलाती हूँ,
तो मेरी दृष्टि में कोई मनुष्य है ही नहीं कि मैं किसी को खिलाती हूँ, मेरी दृष्टि में एक ही है, सर्दी में ये है, गर्मी में भी इस रूप में है, सर्दी में इस रूप में है, ऐसे वो मानती थी। तो ये भाव होता है साधक का। तो ये दोनों तो आपने बताई दिए कि ना कोई गिफ्ट की कोई वैल्यू है, ना उसमें कम ज्यादा की कोई वैल्यू है, ना उसमें कोई जाति संप्रदाय की वैल्यू है, उसमें किस भाव से वो किया जाता है उसका मूल्य है। तो ये गीता में यही यही जैसे हम लोग को सीखने की मिल रहा है दीदी, जैसे मैंने जो समझा, जैसे मानव धर्म ही जो बता रहे हैं, क्या ये सच है क्या दीदी जी, जैसे गीता जी में जो गीता... हाँ वही बता रहे हैं जो आप समझ रहे हो, वही बता रहे हैं। और इधर माइक दो बहनों की तरफ, इधर दे दो। दीदी 26वां श्लोक है, इसमें कहा है कि पत्रम फलम पुष्पम त्वयम, मतलब जल जो भी मुझे श्रद्धा से अर्पण करता है तो मैं उसे सगुण रूप से ग्रहण करता हूँ, तो सगुण रूप में कैसे ग्रहण करते हैं? सगुण रूप से जी, सगुण कहाँ है यहाँ? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। जो उसके द्वारा लाया हुआ है वो भक्ति उपहृतम, भक्ति से जो कुछ भी करने की इच्छा वाला है वो भक्ति से लाया हुआ, जिस भाव से वो लाया हुआ है उस सब को मैं उसके प्रयास को, प्रयतात्मन है जिसके लिए वो प्रयास कर रहा है, प्रयत चित्त है, प्रयत्नशील है, उसके उस सब को मैं दे देता हूँ, ऐसे कहा है यहाँ पर। तो सगुण निर्गुण की तो कोई चर्चा ही नहीं है श्लोक में, ऐसा कुछ सगुण निर्गुण नहीं है। वो जो अभी हम चर्चा कर रहे थे बस वही इसका उत्तर है कि ईश्वर को भी क्या, मनुष्यों को भी आप देखते नहीं है, क्योंकि एक अंश तो मनुष्य की भी आत्मा में, चेतना में उसके जो वास्तविक गुण हैं आत्मा के, तो वो ईश्वर से मैच करते हैं ना। आपको कोई अत्यंत अपमान पूर्वक कोई बहुत कीमती गिफ्ट दे, लेकिन साथ में आपको बहुत अपमान की हे दृष्टि से दे, और दूसरा व्यक्ति है जिसके पास देने को तो केवल एक पेन है लेकिन प्रीति बहुत है, तो आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगेगा? पेन वाला ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा भाई इतना अपमान करके इसका भी क्या करना है, लेगा ही नहीं स्वाभिमानी व्यक्ति। तो वो पथिक जी का है ना एक भजन, अनादर से मिले दौलत जमाने की तो मत लेना मत छूना, पूरे जमाने की दौलत भी यदि अनादर से मिले तो उसको मत छूना, मिले जो प्रेम से तिल भी तो ठुकराना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है इसे खाना नहीं चाहिए। तो ये तो इंसान ही करता है ऐसे काम, तो उसको जो जैसे भाव पूर्वक देता है ना उसको वो अच्छा लगता है, और कोई कितना भी दे करके अपना बड़प्पन दिखा रहा है तो उसको लगता है कि देखो ये मेरे को छोटा समझ करके दे रहा है, अपने आप को बड़ा समझ रहा है, इसके पास भी कहां से आया धन, तो सारा ईश्वर का है, हम सब तो ट्रस्टी है ना, तो जिसके पास जितना दिया है ईश्वर ने वो उतने का ट्रस्टी है, मालिक नहीं है। धन जमीन ऐश्वर्य ये सब किसका है? ईश्वर का है। और हमने ऐसे देखा कि जो इस भाव में रहते हैं उन्हीं को ही ईश्वर ज्यादा देता है, और जो उसको अपना मान बैठते हैं उनसे फिर छीन लेता है कि ये तो पात्र नहीं है। तो श्रद्धे स्वामी जी महाराज के पास भगवान ने कितना सारा दिया है, कितना निमित्त बनाया उनको, लेकिन कभी स्वामी जी का ऐसा भाव हमने देखा ही नहीं। वो मतलब बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे जैसे रहते हैं, युवाओं के साथ युवाओं जैसे रहते हैं, माताओं के साथ माताओं जैसे रहते हैं, बुजुर्गों के साथ बुजुर्गों जैसे रहते हैं, विद्वानों के साथ विद्वानों के जैसे रहते हैं, और जो भी अच्छे संत हैं हमेशा उनको साष्टांग प्रणाम करके एक विनम्रता के भाव में रहते हैं,
और हमेशा भाव भी यही रखते हैं कि ये सब जो दिया हुआ है ये ईश्वर का है। यद्यपि उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया है और वो पुरुषार्थ को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ वो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता को भी कभी नहीं भूलते हैं, प्रार्थना को भी कभी नहीं भूलते, हमेशा कहते हैं ये सब ईश्वर का दिया हुआ है और उसी की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। इसलिए कभी भी वो अपने व्यक्तिगत सुख के लिए कभी एक छोटा पैसा भी खर्च नहीं करते हैं। कोई अपने सोने चांदी हीरे मोती के कोई ऐसे आभूषण अंगूठी माला जेवर कोई नहीं, तो साधु भी अपने अपने तरीके तो ढूंढ ही लेते हैं, चांदी की खड़ाऊं बनवा लेते हैं, या खड़ाऊं भी लकड़ी की है तो उसके ऊपर जो खूंटी होती है वो सोने की बना लेते हैं, या फिर माला या तो फिर अंगूठी, कुछ ना कुछ तो करते हैं, या तो वस्त्र उनके उतने महंगे होते हैं, या फिर उनके रहने के और उनके कमरे उनके बेड उनके सब प्रयोग करने की वस्तुएं बहुत कीमती होती हैं। यहाँ तो अपने एक चटाई बिछा के सोते हैं स्वामी जी एक मैट के ऊपर, वो ही खड़ाऊं जो आप लोग पहनते हैं, वो ही खड़ाऊं उनकी हैं, वो ही दो वस्त्र हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो इस सारे ऐश्वर्य को वो किसका मानते हैं? ईश्वर का मानते हैं, और वो ईश्वर की सेवा में लग रहा है, बस उसका दुरुपयोग ना हो इसका जरूर ध्यान रखा जाता है कि कहीं भी उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए। तो साधक इसी भाव में रहता है। यही बात बताइए यहाँ पर कि देने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास, फल फूल जल ये प्रतीक हैं, कुछ भी है कुछ भी नहीं है, तो भाव तो है आपके पास, फल फूल जल भी नहीं है तो देव यज्ञ तो कर सकते हैं ना, देव यज्ञ नहीं कर सकते हैं तो ब्रह्म यज्ञ तो कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी है तो वो ही आप ईश्वर को दो, जितना उसने आप, वो फिर कई गुना मल्टीप्लाई करके आपको दे देता है। जी ओम जी एक और जैसे कहा कि जो भी आप अच्छा या बुरा करते हो भगवान को अर्पण कर दो और मुक्त हो जाओ, तो जब फल मिलना ही है तो उसे अर्पण करके क्या फायदा? जो भी अच्छा बुरा करते हैं भगवान कहते हैं मुझे अर्पण कर दो, अर्पण करने के बाद फल नहीं मिलेगा, फिर जिसको अर्पण किया उसको फल मिलेगा, अच्छा या बुरा जो भी अर्पित किया। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है कि भाई मेरे मन में जो भी आया वो मैं वैसा ही करूंगा और शाम को बोल दिया ये सब आपके अर्पण है। वो शब्द तो अब शब्द तो यहाँ तक ही इसकी पहुंच है, ऐसे ही बोलना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर की जो वास्तविकता है ईश्वर को अर्पण करना, वो स्थिति वो चेतना का लेवल वो बहुत ऊंचा है। ये स्थिति कोई सामान्य नहीं है कि सब कुछ मैंने ईश्वर के अर्पण कर दिया, क्योंकि सब कुछ अर्पण करने में बाधक क्या है? बाधक क्या है? अहंकार। अहंकार तो अर्पित करने ही नहीं देता है, बोल देता है। ऐसा बोल दोगे आप कि भगवान जी आज मैंने जो कुछ भी किया वो सब मैंने आपको अर्पित कर दिया, लेकिन अर्पित करके भी फिर क्या बोलोगे? किया तो मैंने ही था, मैंने अर्पित कर दिया। इस मैं को फिर भी बचा के रख लेते हैं, मैं फिर भी बचा हुआ है। तो असली चीज तो वही थी